एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पाकुन कहीं पर भागते हुए जा रहा होता है और वो बोलता है ये मुझे मिल गया उन अकाज की काड्डा। और वो बोलता है मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अगर मैं उससे आगे सूंघने जाऊंगा तो उन अकाज की को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर अकाज के अंदर गारा की पूरी शक्ति लेते हैं और वो गारा के अंदर का जितना चक्रा रहता है वो ले रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हम 3 दिन के अंदर ये पूरा कर देंगे बिना उरुची मारू के। यहाँ पर लेडी चियो एक ताले को खोल रही होती है, तभी लेडी चियो का जो भाई रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इसे क्यों खोल रही हो। तो यहाँ पर जो लेडी चियो है वो बोलती है मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा, मुझे अपने पश्चाताप का इस्तेमाल करना होगा, इसका इस्तेमाल करके मुझे अपने एहसान चुकाने होंगे क्योंकि जो मेरे ग्रैंड सन ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और वो बोलता है मुझे मदद भी पड़ेगी और वो बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ के रहूँगी। यहाँ पर लेडी चियो अपना उसके खोल कर एक स्क्रोल ले लेती है। यहाँ पर जो पाकुन रहता है वो काकाशी सेंसी के पास आ जाता है और मैप खुल के दिखाता है कि वो अकात्सुकी यहाँ पर है। काकाशी सेंसी बोलते हैं कि हाँ वो अकात्सुकी यहाँ पर है। तो पाकुन बोलता है हाँ बराबर वो अकात्सुकी यहाँ पर है। काकाशी सेंसी बोलते हैं कि हे पाकुन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, क्या तुम वो काम पूरा कर पाओगे। तो जो पाकुन है वो बोलता है हाँ ठीक है वो काम मैं पूरा कर सकता हूँ। और वो लोग की बातें चल रही होती है तभी अचानक से नरूटो यहाँ पर सो रहा होता है और वो बिस्तर से गिर जाता है और वो उठ के देखता है कि पाकुन वापस आ गया होता है और वो बोलता है हे ये क्या पाकुन यहाँ पर क्या कर रहा है और काकाशी सेंसी से बात कर रहे होते हैं। पाकुन बोलता है गुड बाय और अचानक से पाकुन बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देता है और पाकुन भागते हुए कहीं पर चले जाते हैं। नरूटो उसको खिड़की से देखता है और पाकुन बहुत तेज़ी से भागता है। नरूटो बोलता है ये क्या उसको पता चल गया कि अकात्सुकी कहाँ पर है। काकाशी सेंसी बोलते हैं हाँ उसे पता तो पहले से चल गया कि अकात्सुकी कहाँ पर है और अभी हम वहाँ पर ही जा रहे हैं गारा को बचाने के लिए जहाँ पर अकात्सुकी है। नरूटो बोलते हैं ये क्या और वो बोलते तैयार हो जाओ। यहाँ पर कॉनकुरु को एंटीडोट दे भी दे देते हैं पर वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। वो देखता है कि टिमारी बाहर बात कर रही होती है और उसको एक शिनोबी बोलता है कि लीव विलेज के शिनोबी को पता चल गया है अकात्सुकी किधर है और वो लोग जाने वाले हैं। टिमारी बोलती है मैं भी जाऊँगी। अचानक से कॉनकुरु उठता है और टिमारी भागती हुई आती है, वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ। तो कॉनकुरु बोलते हैं मैं भी तुम लोगों के साथ आऊँगा, मैं भी गारा को बचाना चाहता हूँ, मैं ऐसे बैठे बैठे यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकता। टिमारी बोलती है नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम अभी कमज़ोर हो। और वो बोलती है मैं तुम्हारे बदले के गारा को यहाँ पर लेके आऊँगी। और वो बोलती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं ग्रामर गारा को लेकर ही आऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कॉनकुरु को बोलती है तुम यहाँ पर आराम करो। यहाँ पर सोकरा काकाशी सेंसी नरूटो निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम किसके लिए रुके हैं। तब यहाँ से टिमारी और ब्लैक ऑप्स आते हैं और टिमारी बोलती है कि हे हम लोग तैयार है। तो नरूटो बोलता है ये मज़ा आ जाएगा अभी हम लोग जाएंगे। उतने में लॉर्ड बाकी वहाँ पर आते हैं और वो टिमारी और टिमारी के भाई लोग मतलब जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं उनको मना कर देते हैं। लॉर्ड बाकी बोलते कि तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे और हम यहाँ पर ही विलेज में रुक के पहरेदारी देंगे क्योंकि विलेज के अंदर कोई भी नहीं है और किधर भी विलेज के अंदर से कोई भी कहां से भी उठ के आ सकता है और वे विलेज पे अटैक कर सकते हैं क्योंकि यहां के होकागे भी नहीं है। और तो टिमारी बोलती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें इनके साथ जाना होगा गारा को बचाने के लिए। लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि वो लोग जा सकते हैं, उन्हें पता है कि वो लोग क्या करना है। तो यहाँ पर जो टिमारी है वो बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अपना विलेज छोड़ के आए हैं और हमें भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे विलेज से भी कोई जाएगा। तो अचानक से आवाज़ आती है मैं जाऊँगी और वो लेडीज़ चियो रहती है। लेडी चियो बोलती है तुम चाहती हो ना कि सैंड विलेज से कोई जाए उनके साथ, तो मैं जाऊंगी उनके साथ और मैं पक्का वादा करती हूँ कि मैं गारा को वापस लेके आऊंगी। और जो लेडी चियो रहती है वो बिल्डिंग से जंप मार देती है और लेडी चियो ऊपर से गिरती हुई आ रही होती है। नरूटो ये देखता है और वो बोलता है हे बूढ़ी औरत ये तुम क्या कर रही हो। लेडी चियो सेफली लैंड करती है और लेडी चियो बोलती है कि वो मेरा ग्रैंडसन है जिसने कॉनकुरु और गारा के साथ किया है और गारा को किडनैप किया है, इसलिए मैं आऊँगी तुम लोगों के साथ और मैं उसको सबक सिखाऊँगी और तुम लोग मुझे रोक भी नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पर अकात्सुकी गारा का चक्रा ले रहे होते हैं और वो पूरी तरीके से ले रहे होते हैं। जितना वो अकात्सुकी गारा का चक्रा लेते हैं यहाँ पर 10 आइज़ रहती है वो थोड़ी थोड़ी करके खुलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर नरूटो बोलता है हे तो हम जाते हैं और वो टिमारी बोलती है कि हम लोग वापस से आएंगे जैसे हमें बैकअप मिलेगा। यहाँ पर कॉनकुरु अपने आप को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कितना कायर हूँ, मैं उनके साथ जा भी नहीं पाया, मैं अपने भाई गारा को बचा भी नहीं सकता।
यहाँ पर गायसेन से और बाकी सब जा रहे होते हैं सैंड विलेज की तरफ। इतने में नेजी बोलता है कि हे हमें किधर रुकना होगा, हमारे पीछे कोई आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। और वो लोग कहीं पर रुक जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो पाकुन रहते हैं। पाकुन बहुत तेज़ी से भागते हुए आता है। गायसेन से पाकुन को पहचान लेते हैं। पाकुन को पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पाकुन बोलते हैं काकाशी ने मुझे यहाँ पर एक मैसेज देने भेजा है। काकाशी सेंसी और नारुतो जा रहे होते हैं गारो को बचाने के लिए जहाँ पर अकात्सुकी है, और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो सकुरा है वो बोलती है कि वो लोग आखिर वो बीस्ट को चुरा कर क्या लेंगे, आखिर वो बीस्ट को ले लेंगे और वो बीस्ट को लेकर कर क्या पाएंगे। यहाँ पर काकाशी सेंसेई सकुरा को बताते हैं कि वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो अकात्सुकी अगर उस बीस्ट को चुरा लेंगे तो उस बीस्ट को वो अपने अंदर सील कर लेंगे उसकी पावर्स को, और उस बीस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है जिसको लेने के बाद वो लोग इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कुछ पूछो ही मत। तो लेडी चियो बोलती है कि वो लोग अपने आप से मतलब वो पावर को अपने अंदर ही सील करने की कोशिश करते हैं। तो सकुरा काकाशी सेंसेई को पूछती है कि ऐसे कितने बीस्ट है। तो लेडी चियो बोलती है ऐसे बहुत सारे बीस्ट है, ऐसे कम से कम शायद 9 बीस्ट होने चाहिए। और वो बोलती है कि वो 9 बीस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, वो लोग उस बीस्ट की पावर को अपने अंदर कैद कर लेते हैं किसी तरह से, और अगर वो लोग अपने अंदर उस बीस्ट की पावर को कैद कर पाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि गारा को वो लोग ने क्यों किडनैप किए। तो लेडी चियो बताती है कि गारा के अंदर जो बीस्ट है वो बीस्ट का नाम है वन टेल बीस्ट, और इसीलिए वो लोग गारा को किडनैप किए हैं क्योंकि गारा के अंदर जो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और वो शिकागु इतना ताकतवर है कि कुछ पूछो ही मत। और वो बोलती है कैसे 9 बीस्ट है, एक शिकाकू हो गया, और वो बोलती है दूसरा 9 टेल और शिकाकू को मिलाकर और कुछ 7 बीस्ट है, और वो बोलती है कि वो बीस्ट अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पर है और अलग अलग शहर उनका इस्तेमाल करती है, मतलब वॉर जब भी वॉर होती है तो वो लोग उनका इस्तेमाल वॉर्स में करती है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग शहर में अलग अलग सिटीज़ अपने मतलब वो जो अंदर का है उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि उस इंसान की वो लोग आत्मा और पूरा चाकरा निकाल लेते हैं, यानी जुनचिरी की, जुनचिरी का मतलब जो अटैक करते हैं वो लोग, और वो बोलते हैं कि अगर वो लोग ऐसा कर दिए तो वो लोग मर जाएंगे। यहाँ पर पाकुन बताता है कि वो बोलते हैं कि आपको मैं काकाशी सेंसेई ने ये बताने बोला है कि हमें रास्ता पता चल गया कि अकात्सुकी किधर है, तो इसलिए आप सैंड विलेज मत आओ और आप डायरेक्ट मेरा पीछा करो इसकी, और डायरेक्ट काकाशी सेंसेई भी वहाँ पर ही पहुँच रहे हैं जहाँ पर अकात्सुकी का अड्डा है। तभी यहाँ पर एक अकात्सुकी अचानक से पेड़ से निकलता है और वो बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें पता चल गया। यहाँ पर वो लोग गारा का चाकरा निकाल रहे होते हैं, और तभी अचानक से वो अकात्सुकी उन लोगों को बताता है, यानी अकात्सुकी के हेड को बताता है। वो बोलते हैं कि कुछ लोग आ चुके हैं, और वो बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पर ही आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि उनका नाम क्या है, तो वो अकात्सुकी बताता है उसका नाम माइट गाय है और वो ली विलेज का शिनोबी है। तो यहाँ पर वो बोलता है माइट गाय, तो अचानक से माइट गाय का नाम सुनकर किसामे बोलता है कि मैं उसे मारने जाऊँगा, और अचानक से 2-3 जो अकात्सुकी वो चिल्लाने लगते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मारने जाऊँगा। तो किसामे बोलते हैं कि हे मुझे ज़्यादा पता है कि वो कैसा लड़ता है और क्या है, तो इसलिए आप मुझे ही भेजो। तो यहाँ पर जो अकात्सुकी का मेन हेड रहता है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो जो गाय है उसको मारने के लिए किसामे जाएगा। तो किसामे बोलते हैं मुझे कुछ पुराने बदले भी लेने हैं, और वो बोलते हैं कि उसने मुझे पुराने बदले लेने हैं जो उसने लीव विलेज में मुझे लात मारी थी, और उसने जो लीव विलेज में काकाशी सेंसेई को बचाने के लिए लात मारी थी, और किसामे बोलते हैं मैं उसका बदला लेके रहूँगा। यहाँ पर किसामे यहाँ पर बैठ के अपना होलोग्राम उन लोगों के साथ गुफा में शेयर कर रहा होता है, और वो बोलते हैं कि तुम्हें अपना 30% चाकरा यहीं पर रखना पड़ेगा किसामे को। यहाँ पर पाकुन भागते हुए जा रहा होता है, और नेजी अपने भी आंखों से देखते हैं कि आगे कोई ट्रैप या कुछ ऐसा है तो नहीं, और यहाँ पर जो नेजी है वो आगे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अचानक से जो नेजी है वो बोलते हैं कि अचानक से ज़मीन हिलना शुरू हो गई है, और किसामे अचानक से पानी की साइड से छोटी से पानी से आता है अपनी स्वॉर्ड लेकर, और वो सामने खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर गायसेन से किसामे को देखते हैं, और वो सोचते हैं कि आखिर ये कौन है, मैंने इसे पहले तो नहीं देखा हूँ, आखिर ये है कौन, और ये कौन है जो यहाँ पर अचानक से आ गया है। किसामे बोलते हैं कि तुम मुझे भूल चुके हो, पर मुझे नहीं पता, हम पूछे पहले भी लड़ चुके हैं, और तुम इतने बुरी तरीके से मुझे कैसे भूल सकते हो। यहाँ पर लेडी चियो और काकाशी सेंसेई आगे बढ़ रहे होते हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि हम एंडिंग पे पहुँचने ही वाले हैं। तभी यहाँ पर वो अकात्सुकी यहाँ पर भी पहुँच जाता है, और वो काकाशी सेंसेई और बाकी लोग को भी देख लेता है, और यहाँ पर वो उन लोगों को बताता है कि एक और एक टीम आ रही है जिसका नाम टीम काकाशी है, और उसके साथ एक और एक जुनचिरी वाला बच्चा है। तो यहाँ पर जो सासुरी है वो बोलता है मैं जाना चाहूँगा, पर
उनके हेड बोलता है नहीं तुम नहीं जाओगे, उनको मारने के लिए इताची जाएगा और इताची बोलता है मैं तैयार हूँ। यहाँ पर काकाशी सेंसेई आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उतने पे वो आगे देख कर रुक जाते हैं और वो आगे देखते हैं कि कोई अकात्सुकी उनका रास्ता रोक देता है। सकुरा ही अकात्सुकी को देख कर चौंक जाती है और नारुतो बोलता है इताची उचीहा, और यहाँ पर वो लोग सभी शॉक्ड हो जाते हैं। नेजी उस अकात्सुकी के चाकरा को देखता है और वो अकात्सुकी के चाकरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है इसके अंदर इतना चाकरा जैसे ये नारुतो है, नारुतो के अंदर इतना चाकरा होता है, इसके अलावा मैंने कहीं पर इतना चाकरा नहीं देखा। किसामे गाय सेंसे को बोलता है मैं तुम्हारी याददाश्त बहुत जल्दी वापस लाने वाला हूँ, हम पहले भी लड़ चुके हैं और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हम कभी लड़ चुके हैं। गाय सेंसे को सच में याद नहीं रहता है कि वो लोग कब लड़ चुके हैं। यहाँ पर इताची नारुतो को देखता है और वो बोलते हैं नारुतो तुम पहले से ज़्यादा बड़े हो चुके हो। नारुतो यहाँ पर देखता है इताची को और वो बोलता है इताची, सकुरा सोचती है कि यही है इताची उची है जिसकी वजह से जो सास्के और नारुतो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सकुरा बोलती है ये मेरा टाइम है और मुझे इसे ख़त्म कर देना होगा, और यहाँ पर वो बहुत। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।